बीजेपी ने अपना छठा खाता खोल लिया है। छठी सीट बताई जा रही है यहां पर सुमित्रा देवी काजडेकर, जो कि नेपानगर से बीजेपी की प्रत्याशी है, और उन्होंने ये जीत हासिल कर ली है। करीब करीब 26,000 वोटों से सुमित्रा देवी काजडेकर ने ये जीत हासिल कर ली है और अपने खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें हरा दिया है। यानी सुमित्रा देवी काजडेकर वो प्रत्याशी है जो कांग्रेस का दामन छोड़कर हाल ही के बीते दिनों बीजेपी का दामन थाम चुकी थी, बीजेपी में आ चुकी थी, और नेपानगर से उसी सीट से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, भरोसा जताया, और उस भरोसे पे पूरी कामयाब हुई। काबिलियत निकालते हुए सुमित्रा देवी काजडेकर ने बीजेपी को ये जीत दिला दी है। और आप वोटों का अंतर अगर देखें, लीड अगर देखें, तो ये छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, ये मार्जिन है 26,000 वोटों का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जिस बात का इंतजार था। कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है, पहली जीत कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस का खाता खुल चुका है जीत के साथ। और वो कौन सी सीट है ये भी हम आपको बता दें। उपचुनाव जिन 28 सीटों पर हो रहे हैं उसमें से पहली सीट बताई जा रही है कांग्रेस ने जिस सीट पर जीत हासिल की है, डबरा सीट बताई जा रही है। आप देखिए ब्यावरा सीट, ये ब्यावरा सीट है जहां पर 12,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। उपचुनाव में कांग्रेस की ये पहली जीत है। चलिए कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं हम, हालांकि रिएक्शन सुनेंगे हम, लेकिन अब देखिए जिस बात का इंतजार था, हालांकि 6 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाकर चल रही है, कांग्रेस ने जरूर अपना खाता खोला है। और वो कौन सी सीट है, ब्यावरा सीट। हाल ही के दिनों में यहां पर दिवंगत पूर्व विधायक हम कहें गोवर्धन दांगी, जिनका निधन हो गया था, ये सीट ब्यावरा की उसके बाद खाली हो गई थी। यहां पर एक बड़ा चैलेंज था कांग्रेस को, किसे टिकट देना है, और रामचंद्र दांगी ने ये भरोसा जो है पूरा कांग्रेस पार्टी पर जो जताया था कार्यकर्ताओं पर, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने ब्यावरा सीट से अपना पहला खाता खोल लिया है जीत के साथ। 12,000 वोटों से ये जीत कांग्रेस के पाले में रामचंद्र दांगी ने डाल दी है। हालांकि बीजेपी अभी 5 सीटों के साथ जीत बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है, 16 सीटों पर अभी भी लीड कर रही है, एक एज लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपना पहला खाता खोल लिया है ब्यावरा सीट पर। 12,000 वोटों से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया है। बता दें कि ब्यावरा की सीट जो दिवंगत पूर्व विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद खाली हो गई थी, और उस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस अपना परचम लहराने में कामयाब हुई है। तो पहला खाता जरूर खुला है, अब ये खाता आगे कहां तक जाता है, क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा अभी हाल ही में बंसल न्यूज से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया चुटकी लेते हुए कि साहब मध्य प्रदेश की 28 सीटों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस आखिर डबल डिजिट तक, यानी डबल डिजिट तक क्यों नहीं पहुंच पाई। डबल डिजिट पहुंचने के लिए जाहिर है कांग्रेस को कम से कम 10 सीटें जीतना होगी, लेकिन क्या कांग्रेस डबल डिजिट पर आ पाएगी 28 सीटों में से।